गाइस हम लोग बनाने वाले हैं फ्लोर। तो फ्लोर कैसे बना सकते हैं, तो फर्स्ट ऑल क्रिएट अ प्लेन। एक प्लेन क्रिएट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और इन सबों को थोड़ा सा मैं प्लेसमेंट थोड़ा सा डिस्टेंस ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एक प्लेन क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट अ प्लेन लाइक F3 F4। यहाँ पे फ्लोरिंग के लिए पहले क्या करने वाला हूँ, प्रेस करते हैं M, ठीक है। लाइक जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। लाइक मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, ओके। लाइक ये मैं आपको चीज़ें थोड़ा सा बताने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डिटेल में आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। 3D Max मटेरियल ट्यूटोरियल, ठीक है। इसके अंदर प्रॉपर फ्लोरिंग और जो जो पार्ट है उन चीज़ों का थोड़ा सा मैनेज किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और देन इसी को बहुत बेसिक सिंपल वे में बताता हूँ यहाँ पे। फ्लोर के लिए क्या करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे डिफ्यूज़ लिया, डिफ्यूज़ पे मैप लेते हैं यहाँ पे। मैप में मैं यहाँ पे क्या क्लिक कर सकता हूँ, सिंपल लाइक फ्लोरिंग के लिए मुझे अगर कोई भी चीज़ ऐड ऑन करना है तो मैं, मेरे पास एक मोटिव क्या है कि क्या मुझे ऐड ऑन करना है। लाइक मैं सिंपल एक काम करता हूँ यहाँ पे, सिंपल किया मैंने टाइल, टाइल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइल अप्लाई करते हैं फ्लोर पे, थोड़ा सा लाइक रियलिस्टिक मोड में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देन जब क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिखेगा कि टाइल मेरे पास यहाँ पे आ गया। टाइलिंग में यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ लाइक 5x5 छोटे छोटे, लाइक आपको यहाँ पे करना नहीं है 10x10 कर लेते हैं यहाँ पे। तो छोटे छोटे आपके यहाँ पे फ्लोरिंग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल अबाउट लाइक यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट सेटअप भी चेंज करने वाला हूँ। आर प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, मैंने सिंपल मैंने क्या पार्ट लगा रखा है, सिंपल अगर देखा है तो एक मैंने स्काईलाइट लगा रखा है। तो एक फ्लोरिंग का पार्ट वापस यहाँ पे निकल जाएगा कि ठीक है आप फ्लोर कैसे रेडी कर सकते हो आप यहाँ पे। इसी फ्लोर में हमें क्या करना है, हमें साइनिंग देना है। अभी जैसे विदाउट साइनिंग आपका यहाँ पे विजुअल है, ठीक है। ओके यहाँ पर मैं देखा लाइक बेसिक रेंडर में पास यहाँ पे आ गया, साइनिंग नहीं है। साइनिंग पे हम लोग काम करते हैं। साइनिंग कैसे लिखा सकते हैं, प्रेस करते हैं एम। एम प्रेस करने के बाद थोड़ा तो सा डेप्थ चाहिए, इफ़ यू वांट डेप्थ। देन इसको उठा के कॉपी करके एम पेस्ट कर दो बम्प पे, ठीक है। कॉपी करते देखो यहाँ पे डेप्थ आपके सामने आ जाएगा, हल्का सा डेप्थ, ठीक है। 30 अमाउंट पे जितना चाहिए, 30 पे, 10 पे, देखो यहाँ पे डेप्थ आपका विजुअल है। देखो यहाँ पे अगर मैं ऑफ करूँगा यहाँ पे तो ये डेप्थ थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर डेप्थ भी आ गया। मैं यहाँ पे चलता हूँ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में एक मैप कॉल करते हैं जिसका नाम है रेट्रेस। रेट्रेस कॉल कर लो आप यहाँ पे, बहुत साइनिंग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका अमाउंट कर दो अप्रॉक्सीमेट 10 और 15 के आसपास। ट्राई करके देख लेना इफ़ यू वांट, जितना आपको लगता है लुक एंड फील चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमारे पास चीज़ें फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पे नीचे फ्लोर पे आपको रिफ्लेक्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोगों ने स्काई लाइट लगा रखा, तो स्काई लाइट में हो सकता है थोड़ा चेंजेस हो, इसके लिए आप लाइट सेटअप भी चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। बहुत कम आ रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, डू वन थिंग, यहाँ पे एक ऑप्शन था रीजन रेंडर करके, लाइक कैंसिल करते हैं यहाँ पे रीजन पे, चलता है रीजन रेंडर। इतने पार्ट पे काम करते हैं, मुझे सिर्फ इतने पार्ट का रेंडर चाहिए। तो मैंने एक काम कर दिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने कर दिया 50%। देखते हैं लेट्स सी क्या इम्पैक्ट आता है। देखो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। साइड में देखा यहाँ पे रिफ्लेक्शन, दिस इज़ नॉट शैडो गाइज, दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन। तो मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन लेके आ सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बस रिफ्लेक्शन आ गया, जितना आपको चाहिए आप चीज़ को ऐसे फुलफिल कर सकते हो। सेम चीज़ लाइक हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे काम करके, हमारे पास दूसरे मॉडल भी हैं, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ उनको भी पास लाने का। लाइक इन दोनों को कॉपी करके लेके चलते हैं, कॉपी। देन मैंने कहा चलो मेरे पास कैमरे के पास, ओके कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे। लाइक इनकी प्लेसमेंट थोड़ा सा ठीक कर देते हैं यहाँ पे, R4 स्केल, और देन मैनेज कर दो आप यहाँ पे रोटेशन एज यू नो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। रिफ्लेक्शन है चीज़ें यहाँ पे फुलफिल होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पे फ्लोर आराम से बना सकते हो, ठीक है। और एक छोटा सा मैं वॉल का आपको एक आइडिया देता हूँ, बहुत बेसिक सा पार्ट है, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे। छोटा वॉल मतलब छोटा वॉल, ओके। वॉल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, लाइक P4 परसेक्टिव जेड, बहुत बेसिक सा फंडा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। प्रेस कर दिया एम, ओके वॉल, ठीक है। डिफ्यूज पे चलते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। लाइक वॉल है क्या मेरे पास यहाँ पे, वॉल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे टाइल, ठीक है। टाइल के अंदर मेरे पास ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, डबल क्लिक करके देखो यहाँ पे आपको चाहिए, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर दिया मैंने, असाइन कर दिया यहाँ पे।
थोड़ा टाइम लेगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे आ गया। वॉल के अंदर आपको टाइलिंग कितनी चाहिए? अब ये टाइलिंग आपको 5x5 चाहिए तो आप कर सकते हो, बहुत छोटे छोटे वॉल। ठीक है, लाइक छोटे छोटे इसमें डिटेलिंग आ जाएंगे यहाँ पे। आप चाहते हो, नहीं यार मुझे यार आई एम सेटिस्फाइड विद 2.5, ऐसे भी चीज़ आपके यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगे यहाँ पे। आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, लाइक कलर चेंज करना, कलर चेंज कर दो। लाइक मैं चाहता हूँ यार मुझे चाहिए रेडिश वॉल, ठीक है, तो मैंने रेड पे यहाँ पे रेड एंड ऑरेंजिस वॉल पे यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चेंजेस कर सकते हैं हम यहाँ पे, जस्ट क्लिक। ठीक है, और देन गाइज इसी को हम लोग यार सेम चीज़ जस्ट मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी, और मैंने बम पे कॉपी कर दिया यहाँ पे पेस्ट। कलर मैं अपना ब्लैक एंड वाइट ही रहने देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लाइक काफ़ी है, बम के अंदर मैंने कलर चेंज कर दिया यहाँ पे, वैसे यहाँ पर इम्पैक्ट आ जाएगा। लाइक मुझे वॉल कैसे बनाना है जी मुझे पता है यहाँ पे, तो देन आप सिंपल सा फंड आप यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। रेंडर पे चलते हैं यहाँ पे, रेंडर। ठीक है, ओके, व्यू पे कर दिया। यहाँ पे मैं वॉल वॉल पे बना सकता हूँ, लाइक सिंपल मुझे वुड बनाना है तो मैं वुड भी बना सकता हूँ, जस्ट क्लिक एंड कॉपी। ओके, रोटेट कर सकता हूँ यहाँ पे, रोटेट 90 डिग्री। ठीक है, लाइक मुझे यहाँ पे वुड बनाना है तो देन मैं कर सकता हूँ वुड। ठीक है, डिफ्यूज़ पे गए, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है वुड, वुड टेक्सचर ले लिया मैंने यहाँ पे, जस्ट क्लिक एंड अप्लाई, तो आपका चीज़ यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे। इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, और ऐसा कुछ वुड आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे चीज़ों को चेंजेस कर सकते हो, लाइक जो थिकनेस है थिकनेस को आप कम कर सकते हो। ठीक है, नॉइज़ इनको आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, जो भी एक्सिस है एक्सिस वाइज आप यहाँ पे चेंजेस करना चाहो। लाइक आपको रोटेशन देना है तो जेड पे आप रोटेशन दे दो आप 90, तो ऐसे कुछ रोटेट हो जाएगा यहाँ पे। एजुस ऐसा कुछ करना, इस टाइप से आप मैनेज कर सकते हो, या जीरो करना है जीरो कर सकते हो। तो सिंपल सा फंडा है, लाइक आप वुड को किस टाइप से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तो देन आप पे डिपेंड करता है सेफ 10 क्यों। तो इस टाइप से आप वुड का टेक्सचर बना सकते हो, वुड बाय डिफॉल्ट आपके पास इसमें गिवन है, वुड है, वॉल है, फ्लोर है, तो ऐसे करके कुछ आप टेक्सचर को फुलफिल कर सकते हो। तो आपको तो साइड मिल जाएगा, ठीक है, किसमें कितना डेप्थ देना, आप डेप्थ दे सकते हो यहाँ पे यहाँ पे। और ये बेसिक आपको मैंने एक आइडिया फुलफिल कर दिया कि कैसे आप वुड बनाने वाला, तो उसके पैरामीटर साथ प्ले करना, आप एडजस्टमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। लाइक जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊँ, जैसे मैंने एक बेसिक रेंडर कर दिया यहाँ पे, रिफ्लेक्शन देखो रिफ्लेक्टिविटी आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे इसके रिफ्लेक्टिविटी, यहाँ पे इसके रिफ्लेक्टिविटी आ रही है यहाँ पे। तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे चीज़ें आ जाएंगे यहाँ पे। कलर इफ़ यू वांट टू चेंज लाइक योर 5, 7 एंड 7, लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ थोड़ा सा 5, 7, 7, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्राउनिश पे चलता हूँ यहाँ पे, ब्राउनिश कलर लाइक डार्क ब्राउनिश। तो मैं ऐसे भी कुछ चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे लिटिल बिट, तो मेरे पास चीज़ें ऐसे भी हैं। ठीक है, मगर मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मेरे पास कलर का इम्पैक्ट भी यहाँ पे चेंज हो सकता है। लाइक मैं यहाँ पे रीजन एंडर करता हूँ, रीजन एंडर, और सिंपल सा वंडा, लाइक यू वॉन्ट टू चेंज जस्ट क्लिक एंड एंडर कर दो आप यहाँ पे, तो देन आपको यहाँ पे चेंजेस भी मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, लाइक मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कुछ और चेंजेस चाहता हूँ यहाँ पे, तो देन मैंने यहाँ पे भी कलर चेंज करने की कोशिश कर दी यहाँ पे, लाइक ओके। ओके, देन हम लोग यहाँ पे भी रेंडर करके देख सकते हैं यहाँ पे, अलग अलग वैराइटीज़ मेरे पास यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइज़ ये था आपका बेसिक मटेरियल, प्रोसीजर मटेरियल। ठीक है, गाइज़।